हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं जिंदगी फॉरएवर। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में यीशु की राहें सबसे अच्छी हैं और यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला। और मैं ये विश्वास कर सकती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह आपका भी जीवन बदलेंगे। उनका वचन, उनका जीवित वचन आपके पास हर रोज आ रहा है। उस वचन को सुनिए, ग्रहण कीजिए, अपने जीवन को बदलिए और पाइए जिंदगी फॉरएवर। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। और आज एक दूसरे एपिसोड में, एक नए एपिसोड में और एक अनोखे एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। एक अनोखा इसलिए क्योंकि परमेश्वर का हर काम अद्भुत है, अनोखा है, निराला है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का कोई भी काम साधारण नहीं है। यीशु मसीह इस धरती पर कैसे आए? अद्भुत तरीके से। वो कुंवारी से पैदा हुए, जी हाँ, अद्भुत तरीका। फिर वो मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जी हाँ, अद्भुत तरीका। और यीशु मसीह का हर तरीका अद्भुत है। और उसकी दूसरी खासियत यह है कि उसका हर काम जीवन देने वाला है। यीशु मसीह हमें मृत्यु देने नहीं, हमें अटैक करने नहीं, हमें तबाह करने नहीं, वो काम शैतान का है। और
टॉर्चर करना, मारना, काटना, तबाह करना ये शैतान का काम है, लेकिन यीशु मसीह आया है जीवन देने। और कैसा जीवन देने? अनंत काल का जीवन देने। और क्या देने हमें? विजय देने। तो विजय के वचन के लिए तैयार हो जाएं, अपनी कॉपी पेन लेकर रेडी रहें। और आज प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, तो बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे, तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे, दुनिया से अगर मिले रहोगे, दुनिया से अगर मिले रहोगे, रब को कैसे पाओगे, रब को कैसे पाओगे, रब को कैसे पाओगे, रब को कैसे पाओगे, तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों इसमें जाते हैं, बहुत संकरा जीवन मार्ग, बहुत संकरा जीवन मार्ग, बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं, अब ये तुमको चुनना है, अब ये तुमको चुनना है, तुम किस रास्ते में जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, किस रास्ते पे जाओगे, तो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। स्वर्ग के राज के धनवानों का, स्वर्ग के राज के अंदर जाना मुश्किल है, ऊंट का सुई के नाके में से है जाना आसान बहुत, है जाना आसान बहुत, है जाना आसान बहुत, इंसान से ये नामुमकिन है, इंसान से ये नामुमकिन है, उसके संग कर पाओगे, उसके संग कर पाओगे, उसके संग कर पाओगे, उसके संग कर पाओगे, दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। जी हाँ, दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को अपनाना पड़ेगा, एक के पीछे चलना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। दो स्वामी के पीछे चलना आप जानते हैं बहुत मुश्किल है, बल्कि असंभव है, और हमें ऐसा कोशिश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास कुछ नियम हैं, परमेश्वर के साथ चलने के कुछ कायदे कानून हैं। अब परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे प्यार करो, कि पहले मुझको, मेरे राज्य को, मेरी हर चीज़ की तुम तलाश करो, फिर दुनिया की चीज़ें तुम्हारे पीछे आएंगी। जी हाँ, यीशु मसीह की जय। अगर हम मरकुस की किताब 10 में जाएंगे और उसकी हम 17वीं आयत में जाएंगे, और बाइबल में लिखा है कि एक धनी युवक था जो अनंत जीवन की तलाश में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और वो वहाँ से निकल कर मार्ग से जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर बैठ गया। वो दौड़ता हुआ आया, वो यीशु मसीह को खो नहीं देना चाहता था, और वो यीशु मसीह के सामने कैसे बैठा? घुटने टेक कर, नम्र होके, दीन होके वो प्रभु यीशु मसीह के आगे आकर बैठ गया, प्रभु, और कहने लगा, बड़ी अर्जेंसी में आया। कभी कभी हम यीशु मसीह के पास बहुत अर्जेंटली आते हैं, हम यीशु मसीह के पास बहुत खुशी और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, हम प्रभु के साथ कभी कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और कभी बहुत ठंडे हो जाते हैं, कभी कभी हम प्रभु के साथ बहुत ऐसा प्रेम लगता है कि मेरा प्रभु मेरा सब कुछ है, होता है ना आपके साथ
ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और वो चीज मिल जाती है, कोई और चीज मिल जाती है तो प्रभु को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो देखिए देखिए देखिए, बाइबल सब जानती है, परमेश्वर का वचन सब जानता है। बाइबल कहती है कि वही धनी मनुष्य से भागता हुआ युवक आया और वो एकदम नम्र होकर यीशु मसीह के पास कहने लगा, हे उत्तम गुरु, तारीफों के साथ, हे परमेश्वर, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। शायद उसके पास सब कुछ था, धनी था, बाइबल कहती है कि वो धनी था, लेकिन अभी उसको किसी चीज की कमी थी। धनी था लेकिन अभी धन्य नहीं हुआ था, धनी था अभी उसको संपूर्णता नहीं मिली थी। धनी तो था, धन ही था, लेकिन उसके आगे की चीजें जो बहुत आवश्यक हैं, धन हमें सब कुछ नहीं दे सकता। जी हाँ, पैसा सिर्फ जरा सा आनंद दे सकता है, लेकिन उसके आगे एक आत्मिक शांति की आवश्यकता होती है। अंदर से प्रभु जो हमको देना चाहता है, जो हमें भरपूर भरपूरी देना चाहता है, भरपूर कर देना चाहता है, वो काम धन कभी कर नहीं सकता। तो यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने कहा कि कोई और उत्तम है ही नहीं। देयर इज नो वन गुड एक्सेप्ट गॉड, परमेश्वर के अलावा कोई उत्तम नहीं है। तो देखते हैं हम यहां पर कि यीशु मसीह ने उससे फिर कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना। यीशु मसीह ने कहा कि ना अपने माता, यीशु मसीह ने उसको सारी आज्ञाएं बताई कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता पिता का आदर करना। और उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। जी हाँ, ये बात उसमें अच्छी थी कि उसने बहुत सारी आज्ञाओं का पालन जरूर किया था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, फिर भी कुछ बात थी। वही बात जो आज एक राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है कि हम सारी जो रिचुअल्स वो पूरे करते हैं, बल्कि परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाओं को हम मानते हैं करते 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 करते, लेकिन हमारे अंदर, हमारे जीवन में एक ऐसी चीज होती है जो अभी भी हमको प्रभु से दूर रखे है। एक ऐसी कोई ऐसी बात होती है जो अभी भी हमको, जिसने प्रभु से हमको बहुत दूर जा रखा है, बल्कि हम अभी प्रभु से निकट जब जाना चाहते हैं तो वो चीज़ या वो बात शायद हमारे रास्ते में आती है। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे, और आपके और हमारे बारे में भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं। उसने कहा कि हे प्रभु, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता हूँ। यीशु ने उसके ऊपर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उसने कहा कि तुझमें एक बात की अभी घटी है, एक बात की घटी है कि तेरा जो कुछ है उसे जाकर तू कंगालों को, उसे बेचकर तू जाकर उसे कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उसको उस चीज के बारे में कहा जिसके बारे में शायद यीशु मसीह से बेहतर कोई नहीं जानता था। यीशु जानते थे कि उस व्यक्ति की कमजोरी धन है, उस व्यक्ति की कमजोरी पैसा है, रुपया है, प्रॉपर्टी है। यीशु ने कहा, ये सारी प्रॉपर्टी जाकर बेच दे, सारा धन, सारा कुछ माल बेच दे और वो सारा पैसा लेकर जाकर गरीबों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले, ये अभी तुझमें कमी है। और बाइबल कहती है कि इस बात को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई और उसको बहुत शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बहुत धन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टियों को छोड़ देना, बहुत बड़े नाम को छोड़ना, बहुत बड़ी हैसियत को छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत मुश्किल है एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, बल्कि एक ऊंट जो है वो सुई के नाके से निकल सकता है। यीशु ने चारों तरफ देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहां धनवान सिर्फ वही नहीं जो बहुत धनी है, बल्कि वो लोग जो धन से प्यार करते हैं, वो लोग जो धन के बहुत लोभी हैं, चाहे वो अभी धनवान हुए भी ना हो, लेकिन उनका मन हमेशा धन में लगा रहता है, उनका मन हमेशा दुनिया की, संसार की चीज़ों में लगा रहता है, वो हमेशा संसारिक चीज़ों के पीछे दीवाने रहते हैं,
और चाहे वो कपड़ा ले लें या नाम ले लें या शोहरत ले लें या किसी भी तरह की ऐसी कोई वस्तुएं जो दुनिया की वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनके पीछे वो हमेशा अपने मन को लगाए रखते हैं। और वो जो धन है, वो जो दौलत है जिसके पीछे हम दीवाने होते हैं, वो हमें प्रभु से दूर रखती है। वो हमारे जीवन में प्रभु का प्रवेश जो है, यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई दरवाज़ा खोले तो मैं अंदर आऊँगा। लेकिन हमारे धन के द्वार जो हैं उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए, हमारे धन के लोभ ने दरवाजे बंद किए हैं, हमारे दुनिया के लोभ ने दरवाजे बंद किए हुए। यीशु मसीह अंदर आना चाहते हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हम पाप में अभी भी लिपटे हुए हैं, हम अभी भी अपने पाप के जीवन को दरवाजों के पीछे जी रहे हैं। जब निकलते हैं तो यीशु से प्यार करते हैं, फिर वापस अपने दरवाज़ों में चले जाते हैं, फिर हम अपने पाप के साथ मस्त हो जाते हैं, फिर हम अपने जीवन के साथ मस्त हो जाते हैं, फिर हम अपने सारे कामों के साथ मस्त हो जाते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर कहते हैं हेलो जीसस, हाँ 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 बहुत अच्छे हैं आप। फिर हम जीसस के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, फिर अपने दरवाजे बंद करके यीशु कहते हैं सब दरवाजे खोल दो, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। यीशु कहते हैं ये कमी है कि तुम इन चीज़ों से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो, तुम धन से मुझसे अधिक प्यार करते हो। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के लिए प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित हुए और आपस में कहने लगे तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से ही सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर आपको भी बुला रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मुझे मालूम है तू किन व्यभिचारों में फंसा है, मुझे मालूम है कि तू किस विचारों में फंसा है, मुझे मालूम है कि तेरे जीवन में वो कौन सी ऐसी दुविधा है, वो कौन सी ऐसी अड़चन है जो तेरे और मेरे बीच में रास्ता रोक के बैठी है। प्रभु उन पत्थरों को हटा देना चाहता है, प्रभु उन सारी चीज़ों को अलग कर देना चाहता है, दूर कर देना चाहता है, और वो हमारे साथ जुड़ जाना चाहता है। उसने इस नवयुवक से भी कहा, यीशु मसीह ने इस नौजवान से भी कहा कि तू जा और वो सारी चीज़ें बेच दे, छोड़ दे, वो त्याग दे चीज़ें और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वो आज्ञा पालन करते हुए भी यीशु के पीछे नहीं था, वो सारे काम करते हुए भी यीशु मसीह के पीछे नहीं था। उस एक्साइटमेंट थी उसको जीसस से मिलने की, लेकिन एक्साइटमेंट होना एक बात है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना वो एक दूसरी बात है। वो अभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं हुआ। आज आप एक्साइटेड हो सकते हैं गॉड के लिए, लेकिन क्या आप गॉड के पीछे हैं? नहीं नहीं, एक्साइटेड होना, चर्च आना, कलीसिया आना बहुत एक्साइटमेंट के साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे होने का मतलब है अपना सब कुछ बेच देना, उन सारी चीज़ों को जो हमको मसीह से भी ज़्यादा प्यारी हैं हमें छोड़ना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे आना पड़ेगा। आज क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये जो नौजवान था ये परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं था, निराश होकर उसको जाना पड़ा। ऐसा ना हो कि आपको भी निराश होकर जाना पड़े। वो सब कुछ करता था लेकिन राज्य के लिए तैयार नहीं था। हम भी हो सकता है बहुत कुछ करते हों लेकिन राज्य के लिए तैयार नहीं है। राज्य के लिए उसी दिन तैयार होंगे तो हम अपना सब कुछ बेच के मसीह के पीछे चलेंगे। तो आज आपको निमंत्रण देता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आइए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और आज प्रभु यीशु मसीह में एक नई जिंदगी पाइए। आए प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार और आपके प्यार के बीच में प्रभु एक कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार की चीज़ें जो अधिक प्यारी हो गई हैं। प्रभु कभी हम आपके सामने सिर्फ चीज़ें मांगने के लिए आते हैं, धन मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं मुझे औलाद दे दे, मुझे बेटा दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे मकान दे दे, प्रभु मुझे सोना दे दे, चांदी दे दे, प्रभु मुझे अच्छा सुंदर शरीर दे दे, मुझे ये सब दे दे। लेकिन प्रभु कभी कभी ये सारी चीज़ें हमारे और आपके बीच में एक दीवार बन जाती हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ दें और आपके पीछे आएं। आपने कहा है कि तुम मुझे तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ तुम्हें दी जाएगी। हे परमेश्वर, आज प्रभु यीशु आपके नाम से जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं मैं उनके जीवन में आशीष मांगता हूँ, मैं बरकत मांगता हूँ कि आप उनको भरपूरी दें। उनके मन में शांति नहीं है, आप उन्हें शांति दें। उनके घर में क्लेश है, आप उनके घर में आनंद दें। उनके घर में हे परमेश्वर आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत सारे घरों में आज भी उद्धार की कमी है, मुक्ति नहीं है, हे परमेश्वर आप उनको मुक्ति दें, उद्धार दें, धन का प्रेम हटा दें। हे परमेश्वर आप वासनाओं से छुटकारा दें।
हे परमेश्वर आप क्रोध से छुटकारा दें, लोभ से छुटकारा दें, मोह से छुटकारा दें, और वो सारे शरीर के काम जो इनके घरों में हो रहे हैं उन बातों से आप आज़ाद करें प्रभु, ताकि आज़ाद होकर आपके पीछे आपके शिष्य बन सकें और वाकई में आपके पीछे चल सकें। प्रभु यीशु मैं आपके नाम से इनके जीवन के हर श्राप को तोड़ता हूँ, आपके नाम से मैं हर अंधकार की ताकत को तोड़ता हूँ, यीशु के नाम से हे परमेश्वर मैं हर दुश्मन की उस चालाकी को और हे परमेश्वर हर उस चाल को और हर उस प्यारे परमेश्वर योजना को जो जो एनिमी की है, जो दुश्मन की है, वो यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हे परमेश्वर चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ रहा है लेकिन आप एक दीवार की तरह इनके सामने खड़े हैं, कैंसर की ताकत, डायबिटीज की ताकत, सारे रोगों की ताकत, हे परमेश्वर हर तरह के रोग की ताकत, प्रभु यीशु मैं आपके नाम से इस समय टीवी से ऐलान करता हूँ, कैसा भी रोगी हो, कैसा भी प्यारे परमेश्वर बीमार हो और कैसा भी पापी हो, आज उसको आपने छुटकारा दे दिया है। आमेन। यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने आपको आज़ादी दी है, यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया है और ऐसा प्यार आपसे कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह से वो चीज़ मांगे जो वो दे सकता है और वो देता है मुक्ति जो कोई और नहीं दे सकता। यीशु मसीह के नाम से पापों से छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह तो आए इसलिए पापों से छुटकारा देने के लिए, वो हमारे ऊपर राज करने के लिए या एक बहुत धन धान्य के अंदर पैदा हुए राजा नहीं थे, बल्कि वो राजाओं के राजा होते हुए हमारे लिए गरीब बनकर आए और हमारे लिए छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दी। मित्रों आप इस कार्यक्रम को देखते रहें, इन नंबर्स के ऊपर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप हमें फ़ोन करें, हम आपसे बात करेंगे, हम आपके सारी प्रार्थनाओं के निवेदन सुनेंगे और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं आपसे ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन जिसकी सेवा मैं करता हूँ वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ वो नाम हर नाम से बड़ा नाम है, उस नाम से अंधे देखते हैं, उस नाम से बहरे सुनते हैं, उस नाम से लंगड़े चलते हैं, उस नाम से कैंसर दूर होते हैं, वो नाम यीशु मसीह का नाम है। अब हमारे सत्संग में आ सकते हैं जो हर संडे इस एड्रेस पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर आएँ, सत्संग अटेंड करें, आपको बहुत आशीष मिलेगा, बरकत मिलेगी और आप परमेश्वर के रूह से भर जाएंगे। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाएं www.anilkant.org, तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, वहाँ पर आप सीख सकते हैं, परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं, वहाँ पर सर्मन्स हैं, गीत हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पर बहुत व्यस्त हो सकते हैं, बल्कि वेबसाइट पर रेगुलर वहाँ पर एक प्रोग्राम भी चलता रहता है, आप वहाँ पर एक तरह से लाइव टीवी है जो आप देख सकते हैं और आशीष का कारण आपके लिए वो बनेगा। और हमेशा उसके साथ जुड़े रहें, यीशु मसीह के साथ बने रहें, यीशु मसीह की